जगतपिता ब्रह्मा का पवित्र पुष्कर सरोवर 125,000 दीपों की रोशनी से जगमगा उठा है। इस दौरान सरोवर के किनारे पर 52 घाट दीपों सबसे भी जगमगा उठे। चारों ओर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जगतपिता ब्रह्मा को दीप जलाकर नमन किया। ब्रह्म घाट पर तीर्थ पुरोहित संघ की ओर से सरोवर की छतरी के मध्य ध्वजारोहण करके स्थानीय स्तर पर धार्मिक पुष्कर मेले की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाआरती में भाग लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्कर राज की आरती उतारी। इस अवसर पर पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे और पुष्कर राज की महाआरती में उन्होंने हिस्सा लिया। तो पुष्कर सरोवर की महाआरती उतारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और इस दौरान पूरा जो सरोवर है उस वो जगमग नजर आया। दीपदान यहां पर किया गया, वहीं आकर्षक लाइटों से भी इसके घाटों की सजावट की गई और इसमें कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया इस आयोजन में। और इसी के साथ पुष्कर मेले का भी आगाज हो गया है। आपको बता दें कि पुष्कर का जो मेला है वो विश्व विख्यात है। देश दुनिया के सैलानी यहाँ आते हैं और ब्रह्मा जी के दर्शन के साथ ही विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर होते हैं। और 52 घाट जो पुष्कर तीर्थराज पुष्कर के हैं उनको सजाया गया, वहाँ पर दीपदान किया गया, धार्मिक अनुष्ठान हुए, मंत्रोच्चार और आरती घंटे घड़ियालों की मधुर ध्वनि से पूरा सरोवर क्षेत्र गूंज उठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आरती की। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ब्रह्मा मंदिर के पीछे बने एंट्री प्लाजा भी पहुंचे। उन्होंने 57,00,000 रुपए से निर्मित रैंप का लोकार्पण यहां पर किया। उन्होंने कलेक्टर अंशदीप से रैंप द्वारा मंदिर तक जाने के लिए व्हीलचेयर और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। गहलोत ने मंदिर के सामने लिफ्ट लगाने के प्रस्ताव को जल्द अमल में लाने को कहा। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मा मंदिर में पूजन भी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर में 11,65,00,000 रुपए से 7 वंडर्स, 4 करोड़ से KEM रेनोवेशन कार्य, 4 करोड़ की लागत से राजकीय संग्रहालय रेनोवेशन, 5 करोड़ से वैशाली नगर सड़क, 1 करोड़ से जौंसगंज से IOL प्लांट तक CC सड़क, जयपुर रोड पर 22 करोड़ के नए भवन, 86,00,000 रुपए से पुलिस लाइन स्टेडियम में स्टेप्स का लोकार्पण और 5 करोड़ से वन विभाग के बॉटनिकल गार्डन का भी शिलान्यास किया। तो इस तरह से मुख्यमंत्री के आज के दौरे में अजमेर और पुष्कर को कई सारी सौगातें भी मिली हैं। दुर्भाग्य से पहले कोरोना आ गया, 2 साल तक मेला लगा नहीं। इस बार उम्मीद थी तो लंबी रोग आ गया, तब भी पशु मेला नहीं लग रहा है। बाकी जो प्रदर्शनी है यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ा नीचे करो ना, वो बहुत ही शानदार बनी है और नजर आ रहे हैं यहाँ पर। आज पावन दिवस भी है तो आप देखिए कि मेला बहुत कामयाब रहेगा। यहाँ की कई समस्या भी है, अभी यहाँ पुरुष समाज ने मुझे कहा है, उनको देखेंगे। शिवरेश का भी है, परिक्रमा का भी है, साफ सफाई का भी, वो भी हम काम करेंगे। आज जो यहाँ प्रोग्राम हुआ है बहुत ही सुंदर झांकी बनाई गई है, 56 भोग की व्यवस्था की गई है, 1,25,000 दीपदान हुआ है, एक नई शुरुआत हुई पुष्कर के अंदर। यहाँ के पुरुष समाज, यहाँ के श्रद्धालु बहुत खुश है। पुरुष समाज ने कहा हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसी व्यवस्था देखी है।